दीपावली के अवसर पर मंगलवार को धनतेरस के दिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में नौकायन केंद्र को 1,01,000 दीयों से रोशन किया गया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि यह जीडीए के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। 1,01,000 दीप जलाकर नौकायन केंद्र को धनतेरस पर रोशन किया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को अयोध्या में 9,00,000 दिए जलाए गए, जिसमें गोरखपुर का जीडीए भी पीछे नहीं रहा। 1,01,000 दीप जलाकर नौकायन को रोशन किया। उन्होंने बताया कि यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही संभव हो पा रहा है, जो कि नौकायन केंद्र पर दीप जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस दीपावली भगवान राम आप सभी नागरिकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और सभी का जीवन मंगलमय हो। इस अवसर पर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह सहित जीडीए के अधिकारी व नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह व सदर सांसद रवि किशन ने कहा। दिल दिया है जान।
एवं प्राचीन भारत का अद्भुत मेल है और इसे प्रकृति से वरदान में लगभग 737 हेक्टर में फैला रामगढ़ ताल मिला है। इसके प्रदूषण एवं अतिक्रमण को रोकने के लिए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष प्रयास किए। 2010 में रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की योजना स्वीकृत हुई। इसके अंतर्गत कई सुधार और निर्माण किए गए। इनमें 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 3.7 किलोमीटर लंबे बंधे, पर्यावरणीय ड्रेजिंग, डीवीडिंग और वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिससे रामगढ़ ताल के जल गुणवत्ता एवं वातावरण में निरंतर सुधार होने के उपरांत आज ये आपके सैर सफारे, प्रातःकालीन योग एवं पर्यटन के योग्य बना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति को लक्ष्य नहीं मानती, सिर्फ साधन मानती है और उद्देश्य समाज का निर्माण है, समाज की एकता और अखंडता है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना है। और इसलिए हम लोग राजनीति कम काम करते हैं, समाज में अधिक काम करते हैं। भगवान श्री राम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के आदर्श प्रतीक हैं। अयोध्या में रहते हुए वो लंका तक गए और उन्होंने भारत की सीमा पर जो आतंकवाद पनप रहा था उसका समूल नाश किया और लौट कर फिर आए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व पहले से अधिक है। हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके मूल्यों पर चलें। जो जीवन उन्होंने जिया, उन्होंने क्या कहा, इसका कोई महत्व नहीं। जो आदर्श जीवन उन्होंने जिया, हम उन जीवन को जीने का प्रयास करें, लोगों को उत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम है। देखिए, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक नवीन प्रयोग किया गया है। आज गोरखपुर में जो हमारा नौका यान क्षेत्र है, इसको नया सवेरा भी बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने आज 1,01,000 दिए जला रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी आधा घंटा पहले ही ये दिया जलाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और कंटिन्यूसली दिया जलाते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस प्रयोग से लोगों को अच्छा लगेगा और आगे आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर और अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए, पहली बार कार्यक्रम हुआ। हाँ, ये प्रथम दीपोत्सव है गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा और उम्मीद है कि हर साल इसको हम लोग मनाएंगे और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करेंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, कितना दीप जलाया गया? 1,01,000 दिए जलाए गए। ये एक ऐतिहासिक रहा, गोरखपुर की धरती पे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे अयोध्या में कल 9,00,000 दिए जलाए गए, तो आज यहाँ पर गोरखपुर भी इसमें पीछे नहीं रहा। और यही है कि प्रभु राम की जय जयकार हो रही है और विकास की जो गंगा बह रही है गोरखपुर में, उसकी शुरुआत है। और आज आप देख रहे हैं ये गोरखपुर एक चमक रहा है, एक जगमगा रहा है। और ये गोरखपुर के लिए मैं समस्त देवतुल जनता को बहुत सारा साधुवाद, ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। प्रभु राम आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दें, खुशहाली दें, यही मैं भगवान से मनोकामना करता हूँ।